मिशन 2023 आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अभी से कमर कस ली है। पूर्व मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ कमलनाथ ने शहडोल में आम सभा कर आगामी विधानसभा 2023 की शुरुआत कर दी है। प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आदिवासी वोटरों को साधने की तैयारी शुरू कर दी है। पूर्व सीएम ने कहा कि प्रदेश की सरकार के पास सिर्फ पुलिस प्रशासन और पैसा है। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने 20,000 घोषणाएं की हैं, जहां नदी नहीं है वहां भी पुल बनवाने की घोषणा कर देते हैं। कमलनाथ ने शहर के गांधी चौक में विशाल जनसभा को संबोधित किया। शहडोल में विशाल जनसभा के जरिए कांग्रेस शहडोल के साथ ही अनूपपुर उमरिया व डिंडोरी जिले के आदिवासी वोटरों के बीच पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया। उन्होंने कहा कि 3 साल से तेंदुपत्ता बोनस नहीं दिया गया, सरकार बनते ही आदिवासियों को तेंदुपत्ता बोनस मिलेगा। गांधी चौक में आयोजित आम सभा को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ ने भाजपा के 18 सालों का हिसाब गिनाते हुए भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए शिवराज सिंह चौहान से 11 माह बाद हिसाब लेने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम व सीएम कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या काम किया है, उन 70 सालों में जिस स्कूल में पीएम पढ़े हैं उन्हें कांग्रेस ने ही निर्माण करवाया था। शिवराज सिंह ने 20,000 घोषणाएं करी हैं पिछले 18 साल में। जहां जाओ शिवराज जी घोषणा करते हैं, जहां नदी नहीं होती वहां पुल की भी घोषणा कर देते हैं। ये शिवराज सिंह जी है, ये तो झूठ को भी शर्मा देते हैं। याद रखिएगा, 11 महीने बाद चुनाव आएगा, ये झंडे लग जाएंगे, मंच बन जाएगा, पर चुनाव के बाद ये झंडे नहीं रहेंगे, ये बैनर और ये मंच नहीं रहेगा, पर हमारा भविष्य क्या रहेगा ये आपको तय करना है। और मुझे विश्वास है, मुझे पूरे शहडोल संभाग में विश्वास है कि जैसे शहडोल नगर पालिका में आज कांग्रेस का झंडा लहरा रहा है, आगे मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी कांग्रेस का झंडा लहराएगा। रोजगार का क्या हुआ, ये इनका जवाब है कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। मैं बताता हूं मोदी जी, जिस स्कूल में आप गए अगर रहे वो स्कूल कांग्रेस ने बनाया था। मैं शिवराज सिंह जी को कहता हूं, शिवराज जी जिस स्कूल और कॉलेज में गए वो कांग्रेस ने बनाया था, हमसे मत पूछिए। ग्रामीण भारत टीवी के लिए शहडोल से विजय रजक की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।